बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आपके पास भी एटीएम कार्ड घर पर आ चुका है तो हमें इसका पिन जनरेट करना होगा, और पिन जनरेट करने के लिए हमें जाना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम, वहां पर हम इसका पिन जनरेट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में एंटर करना है। कार्ड एंटर करने के बाद यहां पर आपसे पूछा गया है सिलेक्ट योर लैंग्वेज, तो यहां पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एंटर पिन और पिन जनरेशन। हमें यहां पर अपना नया पिन बनाना है, तो हम यहां पर पिन जनरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम पिन जनरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर बोला गया है एंटर योर 14 डिजिट अकाउंट नंबर। यहां पर जो भी हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर है हमें वो यहां पर एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद हमें यहां पर करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर फिर से बोला गया है प्लीज री एंटर योर 14 डिजिट अकाउंट नंबर, तो यहां पर हमें अपना अकाउंट नंबर फिर से एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद अब हमें करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको बोला गया है कि आपको अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो जो भी मोबाइल नंबर बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट के साथ अटैच है वो यहां पर एंटर कर दे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर री एंटर करना है, जो मोबाइल नंबर अभी आपने डाला है सेम वही मोबाइल नंबर आपको फिर से डालना है, देन करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP यहां पर आपको एंटर करना है, उसके बाद करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर बोला गया है प्लीज वेट योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस, तो यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहां पर आपको बोला गया है प्लीज एंटर योर न्यू पिन, तो यहां पर आपको अपना एक नया पिन बनाना है। तो यहां पर आप अपनी मर्जी से कोई भी 4 डिजिट का पिन रख सकते हैं। 4 डिजिट का पिन रखने के बाद आपको एंटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको बोला गया है प्लीज री एंटर योर पिन, मतलब कि आपको पिन फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। तो यहां पर आपने जो भी 4 डिजिट का पिन रखा है आपको फिर से एंटर करना है। पिन एंटर करने के बाद आपको एंटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर कुछ टाइम लग रहा है, यहां पर लिखा भी आ गया है पिन चेंज सक्सेसफुली, मतलब कि यहां पर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम पिन जनरेट हो चुका है। अब इसके अलावा हमारे चैनल पर बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, जैसे कि अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट तो खोल ही चुके तभी डेबिट कार्ड का पिन चेंज कर रहे हो, वैसे हमारे बैंक अकाउंट ओपनिंग की वीडियोस भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैंक से कंपैरिजन भी किया हुआ है, होम लोन कैसे मिलता है हमने ये भी देखा हुआ है, पर्सनल लोन कैसे मिलता है ये भी देखा हुआ है, सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करना। इसके अलावा हमारे चैनल पर डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स की फॉर्म में डलती रहती है, तो एक बार उन्हें भी चेक करना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चूज योर राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।